So now we are going to deal with two important topics in probability जो आगे बहुत काम आते हैं. The first one is independent events and the second one is mutually exclusive events. और ये दोनों more than important, they are very confusing. इनको identify करने में ज़्यादा problem होता है. So I really want कि एक बार ये समझ लो, so that future में जब भी कुछ इस तरह का हो, तो you clearly identify the case. Okay? So in this video we are going to discuss about independent events. So in probability theory, two events A and B are called independent if this relationship exists. This is the relationship. So, probability according, two events are independent if their intersection is equal to the individual probabilities of the events. That's the relationship. This is the main relationship. अब इसका मीनिंग क्या है, इसका इंट्यूशन क्या है, ये डिस्कस करते हैं. इसका मतलब यही है कि दो इवेंट्स साथ में अकर तो कर सकते हैं, बट एक इवेंट के हो जाने से दूसरे इवेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता. दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, आई कैन गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स. लाइक इवेंट इज यू नो टॉस करना. सो लेट्स से अगर कोई तुमको बोले कि इस पॉइंट से तीन बार और टॉस किया हमने, तीनों बार हेड आया, तो बताओ इस बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है. सो खुद सोच के देखो, तीन बार या दस बार पहले कितनी भी बार हेड आया हो, इस पॉइंट पे आप तो जब दोबारा कॉइन उछाल रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी हेड आने का फिर से 1/2 ही है. सो पीछे के इवेंट्स का करेंट इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा. वन मोर एग्जाम्पल, दो डाइस साथ में रोल कर रहे हो, ठीक है, एक में 3 आया, इसमें 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? डाई वन में 3 आया, तो डाई टू में 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उस डाई के ऊपर क्या आया, इसमें कोई भी एक चीज आने का प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 1/6. ओके, सो यही जो चीज है दैट प्रोबेबिलिटी, बेसिकली दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम तब बोलते हैं जब ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. उसका मीनिंग ये है कि एक इवेंट के हो जाने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी चीज को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे. ओके, सो सी टू बी ऑनेस्ट, ये प्रूफ बहुत सिंपल भी हो सकता था, बट थोड़ा इंट्यूटिव रखने के लिए मैं थोड़ा लंबा रास्ता यूज कर रहा हूं. So this is the setup, this is the Venn diagram of two events like this. So this is A, this is B, and this is the entire sample space. Okay, now see, let's say hum ye bole ki B already occur kar gaya. Ab mujhe ye batana hai ki P of A बाय बी कितना होगा, राइट? अब खुद सोच रहे हो, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. सो बी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है. अब अगर तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम कोई भी चीज का इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो तुम पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कंसिडर करते हैं, लाइक दिस एंटायर एरिया, राइट? बट अब तुमको पता है कि उसमें से कौन सा चीज हो चुका है. ऑलरेडी मुझे पता है कि बी हो चुका है, तो ऑब्वियसली अब जो मेरा सैंपल स्पेस है वो बस इतना ही तो बचा, राइट? सो इन अ वे एक बात तो कंफर्म है कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ बी ही होगा, क्योंकि जितनी चीजें यहां पर हो सकती है वही डिनोमिनेटर में होगा. अब खुद सोच के देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो सकता है, मतलब इनमें से कितना एरिया है, मतलब ये अगर टोटल एरिया है इतना ही अब हो सकता है पॉसिबल. इसमें ए का होने का पॉसिबिलिटी सिर्फ इतना ही तो है, दिस एरिया, एंड दिस एरिया इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी. सोच के देखो, सो अगर तुम इंट्यूटिवली बात करो तो इट्स वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है गिवन बी हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस के बदले तुम सिर्फ बी को कंसिडर कर रहे हो, मतलब एज योर डिनोमिनेटर टोटल अब इसमें से ही आएगा, और इसमें से कितना होने का चांसेस है, जितना भी ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि वहीं पर ए अकर कर रहा है. नाउ इस चीज को यहां पर हम लोग एज अ फैक्ट रख लेते हैं, दिस इज अ फैक्ट फॉर अस, इसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू दिस रिलेशनशिप, ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं, इसको रीअरेंज कर रहे हैं, वी आर राइटिंग पी ऑफ ए is equal to P of A intersection B divided by P of B.
right? We can write it like that. अब ध्यान से देखना, probability of A intersection B, खुद सोच के देखो, अभी ये conditional नहीं है, कोई भी चीज पहले हुई नहीं है, तो obviously हमारा bottom में the entire sample space would be there, पूरा का पूरा sample space, उसमें से सिर्फ इसी area का तो बात कर रहे हैं, इसी area का तो बात कर रहे हैं, so यहाँ पे क्या आ जाएगा, N A intersection B, right? और अब बात करते हैं probability of B का, अगेन कुछ भी given नहीं है, so obviously पूरा का पूरा सैंपल स्पेस लेंगे, सो यहां पर आ जाएगा n a इंटरसेक्शन b, और ये b का प्रोबेबिलिटी विल बी n ऑफ b, अगर हम आई एम सॉरी, दिस शुड नॉट बी a इंटरसेक्शन b, दिस शुड बी n ऑफ सैंपल स्पेस, पूरा का पूरा, ये कट गया, ये कट गया, तो ये रिलेशनशिप क्या बचा, p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय n ऑफ b, ये मेरा सेकेंड फैक्ट है, राइट, दिस इज फैक्ट वन, दिस इज फैक्ट टू, इफ यू नोटिस दोनों का आरएचएस इज सेम, तो वी कैन कंक्लूड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. सोच के देखो, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर डाई वन में थ्री आया तो बताओ डाई टू में सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, और डाई टू में सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी वही था जो पी ऑफ ए था, वन बाय सिक्स. सोच के देखो, हमने वही प्रूफ किया था कि पी ए ऑफ गिवन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, इट मींस बी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, गिवन दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. आई गेस ये पूरा का पूरा प्रूफ समझ में आया, टू बी ऑनेस्ट हम ये बहुत इजीली भी कर सकते थे, बट एक इंट्यूटिव फील देने के लिए ये किया, तुम डायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में ये डाल सकते थे. ये था फॉर्मूला, इसको सीधे यहां से रिप्लेस कर देते तो ये बी का टर्म और ये बी का टर्म कट जाता और सिर्फ ए बचता, बट ये पूरा का पूरा चीज फील लेने के लिए हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा, आई होप इट्स ओके, बट दिस इज द आइडिया, एक बार समराइज कर लें, द आइडिया इज दिस, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट दैट दिस इज अ फैक्ट दैट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इससे फर्क क्या पड़ता है कि ए की प्रोबेबिलिटी को, आई एम सॉरी, पी ए ऑफ गिवन बी से P of B का कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स एक्चुअली इक्वल टू P of A, दिस इज द थिंग, ठीक है. सो आई गेस इंडिपेंडेंट इवेंट समझ में आ गए, दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट दूसरे से पहले को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स द होल समिंग. थैंक्स.